हम में से अगर किसी के पास 100 बेड़े हैं और उनमें से कोई एक खो जाए तो तुम क्या करोगे? ये बहुत ही सुहाना दिन था और 100 भेड़े चर रही थीं हरी भरी चारागाह में, और चरवाहा उन सबको देखकर बहुत खुश था। एक छोटी सी भेड़ उस दिन बहुत ही उत्साहित थी और उसने तय किया यात्रा पर निकल जाने का, पर चरवाहे ने उसे अनुमति नहीं दी थी अकेले निकल जाने की। वो छोटी भेड़ जिद्दी थी, उसने चरवाहे की नहीं मानी। उसने सही समय का इंतजार किया और वही किया जो अपने मन में ठान रखा था। अब घर जाने का समय हो गया है। चरवाहा आता है और अपनी भेड़े गिनता है और वो एक को गायब पाता है। इस बीच वो भेड़ घने जंगल में भटक गई और वहां जंगल में फंस गई। वो डर गई थी, भटक गई थी और अकेली थी। वो मदद के लिए पुकारने लगी। वो घर जाने को तरसने लगी और अन्य भेड़ों और चरवाहे के साथ होने के लिए बेचैन होने लगी। जहां वो सुरक्षित महसूस करती, अचानक वो कदमों की आहट सुनती है और पत्तों के सरसराने की आवाज, और वो डर जाती है। इस निराशा की हालत में वो अपने चरवाहे को देखती है और दोनों ही बहुत खुश होते हैं। चरवाहा उसे अपने कंधों पर उठाकर घर लाता है। चरवाहा बहुत खुश होता है अपनी सब भेड़ों को एक साथ पाकर। वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये खबर सुनाने के लिए दौड़ा जाता है। फिर वो अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मैं इतना खुश हूँ, मुझे मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है, चलो एक दावत करें। तो तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है भेड़ बहुत प्यारी होती है। लेकिन उसे उस छोटी सी भेड़ को छोड़ देना चाहिए था। उसके पास 99 भेड़ और थे। मैं अभी मजेदार मटन मसाला बनाने की सोच रही थी। ये बुरी बात है। मुझे वो चरवाहा अच्छा लगा। अच्छा है वो जो उसकी खोई हुई भेड़ को ढूंढ रहा है। तो चलो बच्चों, आज कुछ खास करेंगे। अब सब अपनी अपनी कला दिखाएंगे। मैं बाइबल में से कुछ भाग पढ़ूंगी और उसमें से जो तुम्हें अच्छा लगे तुम उस पे एक चित्र बनाओगे। हाँ, और मैं तुम लोगों को कुछ तकनीक भी सिखाऊंगी। चलो मैं